हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। हर दिन वचनों को सुनकर आप उत्साहित हो रहे हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत आश्चर्यकर्म आप सबके जीवनों में हो रहे हैं। परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद हो। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने अपने पुत्रों को, अपने बेटे और बेटियों को अधिकार दिया है। और हम ये सारी बातें जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन, हालेलुया। सच में जब परमेश्वर पिता, आओ हम, मतलब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उन्होंने कहा कि मनुष्य को हम अपनी स्वरूप और समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने जब उसे बनाया तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया? अधिकार दिया। सबसे पहले क्या दिया? अधिकार दिया। किस पर? समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, रेंगने वाले जंतुओं पर परमेश्वर ने अधिकार दिया। सच में हम सब यदि अपने अधिकार को जान लेंगे तो हम उस अधिकार को इस्तेमाल भी कर पाएंगे। परंतु सबसे पहले हमें हमारे अधिकार को जानना है कि परमेश्वर ने हमें सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया है, उसने हमें अधिकार दिया है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, सारी जो वाटिका थी वो उसको दे दी, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने आदम को अधिकारी नियुक्त किया। और जब आदम और हवा ने पाप किया, उस अधिकार से वो हट गए और पाप में आ गए, उन्होंने पाप कर लिया। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने सबसे पहली बात हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:35 में कहता है कि पुत्र सदा घर में रहता है, दास घर में नहीं रहता परंतु पुत्र घर में रहता है। और हम सबको अब वो अधिकार मिल चुका है यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। और अब हम उस राज्य में आ गए हैं जो राज्य परमेश्वर ने हमारे रखा है। और जब हमने ये विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, तो फिर से यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो अधिकार पिता ने हमें दे दिया है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान बन चुके हैं। और आगे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 19 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम यहां पर देखेंगे कि परमेश्वर ने और क्या अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार को हम जानेंगे। यहां पर लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको आपकी परिस्थितियों पर, हर एक विपरीत परिस्थिति पर, हर एक बीमारी पर, हर एक कर्जे पर, हर एक श्राप पर, हर प्रकार के बंधनों में, हर प्रकार की कमजोरी में, हर प्रकार की सिचुएशन में परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसके ऊपर प्रभुता करें। और सच में आज यदि आप अपने अधिकार को समझ लेंगे तो आज आप अपनी परिस्थितियों पर प्रभुता करने लगेंगे, आप उस कर्जे पर प्रभुता करने लगेंगे, आप अपनी बीमारियों पर प्रभुता करने लगेंगे, क्योंकि अधिकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब अपनी संतान जो उस पर विश्वास कर रही है, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके पुत्र हैं, उन्हें अधिकार दे दिया है। और आज आप इस बात पर विश्वास करें कि अधिकार आपके पास है और अब उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि लूका की किताब में हमने देखा। इस वचन को अपने जीवन में ले लें कि परमेश्वर ने आपको परिवार में आने वाली हर एक प्रॉब्लम के ऊपर अधिकार दिया है, कि आपके पास अधिकार है उस प्रॉब्लम को दूर करने का, आपके पास अधिकार है अपनी कमजोरियों पर प्रभुता करने का, आपके पास अधिकार है अपने जीवन की हर एक वीकनेस पर प्रभुता करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने
अधिकार आपको दिया है। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या आपको अधिकार दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने वचन से इस बात को क्लियर किया है, आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था और परमेश्वर ने अब आपको अधिकार दिया है हर प्रकार की सिचुएशन पर कि आप उस पर अधिकार करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स पर, आप हर एक बात पर अधिकार करें। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, आप बालक न बने परंतु मैच्योर हो जाएं, बड़े हो जाएं, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि आपका अधिकार क्या है। सो मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत तायत से आशीष दे, आमीन। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो निरंतर हमारे साथ में प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, वचनों में जुड़े हुए हैं और निरंतर हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम धन्यवादी हैं जो सेवा कार्यों में भी हमारे साथ शामिल होते हैं और जो हर समय हमारे लिए इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे, इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है अस्मिता, मैं ओडिशा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने कुछ दिन पहले प्रेयर सेंटर में कॉल किया था प्रार्थना करने के लिए और मैंने संतान के आशीष के लिए प्रार्थना कराई थी और परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरे को उसी महीना कंसीव हो गया। परमेश्वर पिता को लाखों लाखों धन्यवाद। साथ में सिस्टर अमृता, पी के ब्रदर और उनके पूरे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उनको बहुत तायत का आगे आशीष दे और आगे बढ़ाते रहे। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा और तारीफ करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते पिता। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर प्रभु जो हमसे प्यार करे। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, तूने हमें चुना है, तूने हमें प्रभु यीशु अपनी संतान होने का अधिकार दिया, तूने हमें प्रभुता दी है प्रभु, तूने हमें अधिकार दिए हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ उन अधिकारों के लिए, उस प्रभु अथॉरिटी के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिए हैं पिता। आज प्रभु अपने बेटे बेटियों को उन अधिकार को समझने के लिए, उस अथॉरिटी को समझने के लिए आप ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि रात भर आपने संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु और ये नया दिन प्रभु तूने अपने अनुग्रह से दिखाया परमेश्वर। इस दिन में प्रभु तेरी दया हम सबके लिए नई है प्रभु, आप प्रभु आज के दिन में हर को रिफ्रेश करें प्रभु जी, आप उन्हें आज के दिन में एनर्जेटिक बनाए परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ से उन्हें भरे परमेश्वर पिता, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। हर एक को प्रभु आप गाइड करें, अपने फेवर को दें, आप अपनी अद्भुत बुद्धि को इन्हें दें परमेश्वर और होली स्पिरिट आप आज के इस दिन में इनके लिए कार्य करें, इन्हें उत्साहित करें, इन्हें बढ़ाएं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के दिन में हर एक काम जो होने जा रहे, जो आपके बेटे बेटियां करने जा रहे हैं या फिर करेंगे प्रभु, वो सब प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, आप अगुवाई करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार की नेगेटिविटी दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेष रूप से धन्यवाद भी है प्रभु इस समय प्रभु आपके लोग प्रभु आपकी संगति में बने हैं प्रभु, वो निरंतर वचनों से आशीष पा रहे, निरंतर प्रार्थनाओं में जुड़े हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि वो सच में अपने रिश्ते को परिपक्व कर रहे प्रभु तेरे साथ में मेरे खुदावन, तेरे वचन को सुनकर। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को मजबूत किया परमेश्वर, उन्हें इस बात को समझाया परमेश्वर के अधिकार उनके पास है, अथॉरिटी उनके पास है परमेश्वर, उनकी वीकनेस पर, उनके कर्जों पर, उनकी बीमारियों पर, उनकी दुर्बलताओं पर, उनके डिप्रेशन पर, उनके एडिक्शन पर, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों पर अधिकार प्रभु
तूने अपने लोगों को दिया है, ताकि प्रभु उस परिस्थिति में, उन सिचुएशन में, उन समस्याओं पर प्रभु तेरे लोग तेरे वचन के द्वारा प्रभुता करने पाए पिता। इसी वक्त परमेश्वर पिता आज जितने लोग समस्या में, परेशानी में, बीमारियों में है, यीशु मसीह आज उन परेशानियों के ऊपर प्रभु ये भाई बहन प्रभुता करने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से उन पर परेशानियों को कहते हैं इनके जीवनों से चले जाओ, इनके जीवन से हर प्रकार के संकट को कहते कि चले जाओ, हर प्रकार के दुख दर्द को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। प्रभु आप पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करें, आप इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद यीशु राजा, मैं प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। इस समय परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु वो अभी तक जो अपने अधिकार को नहीं समझ पाए पिता, अभी भी प्रभु बालक की तरह प्रभु तेरे राज्य में है पिता परमेश्वर, जिन्हें प्रभु तेरे राज्य की उस भेद की बातों का कुछ भी उन्हें प्रभु नहीं पता प्रभु, परंतु आज प्रभु इन्हें प्रभु मैच्योर बनाए परमेश्वर, इन्हें बच्चे से प्रभु आप बड़ा बनाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरे राज्य की बातों को, तेरे भेद की बातों को प्रभु ये समझ सके, तेरे वचन के रहस्यों को ये समझ सके पिता, उन अधिकारों को समझ सके जो अधिकार तूने इन्हें दिए हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने ऐसा किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज जितने लोग बंधनों में पिता, उस बंधनों के ऊपर प्रभुता करने पाए, अधिकार रखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवनों से इसी वक्त निकल कर चले जाए प्रभु। ये सुबह है और इस सुबह में प्रभु आप इन्हें नया करें, आप इनके मूड को नया करें, आप इनके विचारों को नया करें, आप इनके थॉट्स को नया करें, आप इनकी फैमिली को नया करें, आप इनके जीवनों में सब कुछ नया करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद का विषय यह है प्रभु कि तूने अपने पुत्रों को अधिकार दिया है, और ये सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, ये अपने अधिकार को समझ गए हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में है यीशु मसीह, उस कर्जे के ऊपर हम प्रभुता करते हैं यीशु के नाम से, वो कर्जे प्रभु इनके जीवनों से चले जाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि निरंतर प्रभु यीशु मसीह तू मनी मैनेजमेंट के बारे में हमें सिखा रहे प्रभु, उससे भी प्रभु जो हम सीख रहे हैं प्रभु, तो उसके द्वारा परमेश्वर पिता तेरे वचनों की उस बातों के द्वारा प्रभु वो उस कर्जे पर प्रभुता करने पाए प्रभु जो इनके जीवनों में है, उस फाइनेंस की प्रॉब्लम पर प्रभुता करने पाए जो इनके जीवन में है यीशु के नाम से प्रभु, ये उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जो रोग, दुर्बलता, कमजोरियां, बीमारियां प्रभु जी इनके शरीरों में है पिता, प्रभु जो भी शरीर में घाव है, चोटें हैं, या फिर गिरे हैं प्रभु, या फिर सर में कोई प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु, बीमारियां छोड़कर चली जाएं, हर प्रकार के रोग निकलकर चले जाएं, अंदरूनी अंग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु, इनके सारी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु। यदि इनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु, यदि प्रभु इनके मन में जेलसी है प्रभु, यदि दूसरों के प्रति प्रभु कड़वाहट है, तो प्रभु उन विचारों पर, उन थॉट्स पर आज इन्हें प्रभुता करने दे मेरे प्रभु, इन्हें अधिकार दे कि इन बातों को अपने जीवन से दूर कर सके पिता, और सच में मेरे प्रभु अपने अधिकार को इस्तेमाल करके प्रभु इन सारी बातों में प्रभु विजयी हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए प्रभु, काफी लंबे समय से कुछ काम ऐसे हैं प्रभु जो नहीं बन पा रहे हैं, जिन कामों में कोई भी प्रभु इंक्रीमेंट नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है प्रभु, हम आज से चाहते हैं, हम ये अनाउंस करते प्रभु आज से प्रभु इनके प्रभु कारोबार प्रभु यीशु मसीह आज से ग्रो करने लगे पिता परमेश्वर, जबकि ये नया साल है, इस नए साल में प्रभु बहुत सी बढ़ोतरी प्रभु अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने रोजगार में, अपने बिजनेस में प्रभु इस साल में बढ़ोतरी को देखे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, प्रभु आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। यदि आज जहाँ कहीं भी प्रभु आपके लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रभु उनके सफर में पिता आप उनके साथ में उनकी रक्षा हिफाजत करें, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड से, हर प्रकार के गलत कामों से इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु, इनके थॉट्स को नया करें प्रभु, इन्हें नया करें परमेश्वर, और अधिकार में प्रभु ये अपने अधिकार को समझ कर प्रभु हर प्रकार की सिचुएशन पर प्रभुता करने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने यूट्यूब कमेंट्स में अपने प्रार्थना विनतियों को भेजा है, धन्यवाद पिता। आप उन भाई बहनों को जानते हैं, वो तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, उन्हें भी के जीवन पर प्रभु आप प्रभु विजय दिलाएं उनकी सिचुएशन पर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें पिता, उनकी कमाई पर बरकत हो, जो भी वो करे उस पर आशीष हो, जहां कहीं वो जाए उनके आना जाना प्रभु की सुरक्षा में हो। धन्यवाद करते सब कुछ आपके हाथों में देते, जितने भाई बहन सेवकाई करते उनकी सेवकाई पर आशीष हो प्रभु, जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रभु हर दिन में प्रभु तेरी सेवा में शामिल हो रहे प्रभु
उन्हें आशीष दे, और जितनों ने आपके राज्य में बड़े हर्ष और आनंद के साथ में बोया है प्रभु यीशु, अपने जीवन में एक बहुत ही उत्तम कटनी काटे प्रभु, उन्होंने तेरे राज्य में बोया है प्रभु, तू उन्हें ऊंचे 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 पदों पर आप नियुक्त करना प्रभु, उन्हें प्रॉस्पर करें, समृद्ध करें, उनके पास सब कुछ हो प्रभु, तेरे लोगों को पिता आप प्रॉस्पर चाहते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता, इन भाई बहनों को जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम, फोन कॉल के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ, हम सारी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।